हेलो एवरीवन, एंड वी विल कंटिन्यूअसली डूइंग द सीरीज ऑफ लिटरेरी थ्योरी। तो हम फेमिनिज्म कर रहे थे, ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने जो किया था वो हेलेन शेक्सपियर को किया था और डिस्कस किया था उसका वर्क। एंड नेक्स्ट जो लिटरेरी क्रिटिक है, इन्होंने दोनों में सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसेन गैबर, ठीक है। गैबर ये आर है भाई, कहीं कंफ्यूज हो जाए, गैबर, ठीक है। ये दोनों ने जितने भी वर्क लिखे हैं वो कोलैबोरेशन में लिखे हैं, दोनों ने साथ लिखे हैं, ठीक है। तो ये दोनों ही, इनके साथ ही थर्ड वेव फेमिनिज्म शुरू होता है। थर्ड वेव फेमिनिज्म, ओके। और दे बोथ बिलोंग टू अमेरिकन क्रिटिक थिए, अमेरिकन फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक, ओके। सो दोनों अमेरिका से बिलोंग करती थी, सैंड्रा गिलबर्ट एंड सुसेन गैबर दोनों ही। और इनके साथ ही थर्ड वेव फेमिनिज्म शुरू होता है यहाँ से। तो इनका जो कोलैबोरेशन का वर्क है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एक वैसे तो इन्होंने सब वर्क कोलैबोरेशन में लिखे हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट वर्क है जो फेमिनिज्म से बिलोंग करता है, ठीक है, वो है द मैड वुमेन, द मैड वुमेन इन द एटिक, ओके। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1979, ओके। और इसका सब टाइटल है द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरीज लिटरेरी इमेजिनेशन, इमेजिनेशन, ओके। सो ये इसका सब टाइटल है द वुमेन राइटर एंड द 19th सेंचुरीज लिटरेरी इमेजिनेशन, ओके। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1979। सो द मैड वुमेन इन द एटिक है, ये इसका वर्क है जिन्होंने 19th सेंचुरीज की जो वुमेन नॉवेलिस्ट थी, ठीक है, उनको उन्होंने दोनों ने स्टडी किया था। अब ये दोनों साथ के आई, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये जब दोनों प्रोफेसर थी इंडियाना यूनिवर्सिटी में, यूनिवर्सिटी का नाम है इंडियाना, ओके, यूनिवर्सिटी। सो इंडियाना यूनिवर्सिटी में जब वो प्रोफेसर थी उस टाइम में, तो दोनों ही अमेरिका से उस टाइम में, तो ये फर्स्ट टाइम दे मीट टू ईच अदर एट द सेमिनार ऑफ द इंडियाना यूनिवर्सिटी, जिसमें 17 इंग्लिश के प्रोफेसर थे, 70, और उसमें सिर्फ चार जो लेडी प्रोफेसर थी, ठीक है, जो विमेन्स प्रोफेसर थी, 70 प्रोफेसर में इंग्लिश में सिर्फ चार महिलाएं थी उस टाइम में, जो इंडियाना यूनिवर्सिटी में स्टडी करवा रही थी, ठीक है। तो दोनों ही फर्स्ट टाइम में एक सेमिनार में मिली थी उस टाइम में दोनों, क्योंकि सेम कंट्री से बिलोंग करती थी, तो अपने देश के लिए उनको लव सब हर किसी को होता है। सेम कंट्री के लोग जब, जैसे हम विदेश में जाते हैं तो हमें कोई इंडिया को मिल जाता तो भाई खुश तो हो जाती, उस तरह ये दोनों भी सेम अमेरिका से थी, तो अमेरिका से दोनों उस टाइम में मिली थी। उन्होंने कोलैबोरेशन में सब वर्क लिखे, कोलैबोरेशन में जितने भी वर्क लिखे हैं उन्होंने साथ में लिखे हैं, ठीक है। आगे से उन्होंने ये जल्द ही दोनों ये फ्रेंड बन गई थी, उसके बाद जितने भी इनके वर्क आए हैं वो कोलैबोरेशन में आए थे। तो उन वर्क में से द मैड वुमेन इन द एटिक है, ये उनका सबसे बेस्ट वर्क है, जो कि एक 19th सेंचुरी की जो फीमेल ऑथर थी इन पे इन्होंने स्टडी किया। फिर क्या हुआ कि उस सेमिनार में इन्होंने जो सभी जो प्रोफेसर थे उनको एक लेक्चर तैयार करना था, तो जो उनके पसंद की जो फीमेल, जो उनके पसंद के जो ऑथर थे उन पे वो तैयार कर सकते थे, ठीक है। तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, ठीक है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों ने अपना अपना जो पसंद के जो ऑथर थे उनको लिया इंग्लिश लिटरेचर में, ठीक है। तो गिलबर्ट ने चुना, जो गिलबर्ट थी सुसैन गिलबर्ट, जो सैंड्रा गिलबर्ट थी, इन्होंने चूज किया एक जो 20th सेंचुरी की पोएट्री है, ओके, 20th सेंचुरी की पोएट्री है, उसको चुना कि वो उस पे वर्क करेंगे, ठीक है। अब जो गैबर थी, इसने क्या चुना, इसने 18th सेंचुरी के जो नोवेल थे, 18th सेंचुरी के नोवेल, उस पे ये वर्क करेगी। इन दोनों ने अपना अपना, इनका जो पसंद का फील्ड था इन दोनों का ये था,
इसने गिलबर्ट ने चुना कि 20 सेंचुरी की जो पोएट्री थी उस पे वर्क करेगी, और गैबन ने चुना कि जो 18 सेंचुरी के नॉवेल थे ना उस पे ये वर्क करेगी। ठीक है, अब दोनों की कोलैबोरेशन में इन दोनों को ही एक फील्ड पसंद था कि 19 सेंचुरी की फीमेल जो ऑथर थी उन पे इन दोनों का कोलैबोरेशन, दोनों का शेयर्ड पैशन था ये, जो कि बाद में ये एक लेक्चर था दोनों ने जो 19 सेंचुरी की जो फीमेल ऑथर थी उस टाइम में उस पे एक लेक्चर तैयार किया था जो सेमिनार में प्रेजेंट करना था उनको। ठीक है, और लेटर जाके उनका ये लेक्चर इतना अच्छा था कि एक बुक में कंपाइल हो गया, बाद में जाके ये बुक में कंपाइल हुआ था। पहले एक सेमिनार का इन दोनों का ये खुद की पसंद का इन्होंने चुना था कि वो दोनों 19 सेंचुरी की जो फीमेल ऑथर है उन पे वर्क करेंगी, उनकी स्टडी करेंगी। ठीक है, तो और बाद में जाके उनका लेक्चर उस सेमिनार में इतना अच्छा था कि बाद में ये एक बुक में कंपाइल हो गया जिसको नाम दिया गया था मैड वुमेन इन द वर्ल्ड वुमेन इन द आईटी। ठीक है, अब ये जो टाइटल है, ठीक है, अब ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब इस वर्क के बारे में सोचिए आप। ठीक है, तो अब ये वर्क का जो नाम है वो कहां से आया, जो चारलोटी ब्रंट है, चारलोटी ब्रंट की जो बुक है जेन आयर, ठीक है, वहां से इसका टाइटल आया है। वहां से इसका टाइटल कहां से आया था, बर्था मेंशन है, जो बर्था मेंशन किसकी वाइफ थी, चारलोटी की, सॉरी रोचेस्टर की। ओके, ये रोचेस्टर की फर्स्ट वाइफ थी, ठीक है, जो मेंटली डिस्टर्ब थी, ठीक है, जो मेंटली डिस्टर्ब थी, थोड़ी बैड थी, जिसका जो बिहेव था वो बिल्कुल अबनॉर्मल था, नॉर्मल लोगों की तरह नहीं था। तो इस नाम, इसका जो बुक का टाइटल है वो यहाँ से लिया गया है, बर्था मेंशन है, इसके करेक्टर से यहाँ ये टाइटल लिया गया, यहाँ से इंस्पायर है। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकते, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना इसको, इस क्लास को, इसको स्पेशली ध्यान से देखना, आपको एक एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले इसका पब्लिकेशन ध्यान में रखना, उसका जो टाइटल है वो फर्स्ट, इसका टाइटल, फिर इंस्पायर कहाँ से है, चारलोटी ब्रंट की जो बुक है ना जेन आयर, उसका जो कैरेक्टर है बर्था मेंशन का रोल किया था रोचेस्टर की फर्स्ट वाइफ ने। ठीक है, रोचेस्टर ये प्रोटैगनिस्ट था, मतलब जेन आयर जिससे प्यार करती थी, ठीक है, वो ये है रोचेस्टर जो जेन आयर से प्यार करता था, लेकिन इसकी शादी पहले से हो चुकी थी। अब इन्होंने इसको छोड़ा क्यों, एक्चुअली इसको छोड़ा नहीं इन्होंने, क्या किया रोचेस्टर ने, क्योंकि ये एक मेंटली डिस्टर्ब थी, साइकोलॉजिकली ये मतलब एक अबनॉर्मली बिहेव करती थी उस टाइम में। ठीक है, जैसे कि बुक में जेन आयर जब हम पढ़ते तो वहां पता चलता है कि इसको रोचेस्टर ने इसको एक एटिक में बंद करके रखा था, एक कमरे में, बिल्कुल अंधेरे कमरे में उसको बंद कर दिया था 15 साल तक। ठीक है, तो ये बुक, ये जो नेम है ये यहाँ से इंस्पायर है। ठीक है, मैड वुमन इन द एटिक, क्योंकि ये उस टाइम पे मैड हो गई थी फिर ये, ठीक है, क्योंकि अब नॉर्मल बिहेव था तो इसको मैड पोर्ट्रेट किया गया था इस नॉवल में, मैड थी बिल्कुल अब नॉर्मल, पागल हो गई थी। अब पागल तो होगी कोई भी औरत को, सोचो अगर आप 15 साल, जो मेंटली ठीक है, सही नहीं है, मेंटली डिस्टर्ब है, सॉरी, ठीक है, उसकी हालत थोड़ा अजीब सा बिहेव करती है, ठीक है, तो उसको उस टाइम में एक अच्छा बिहेव, एक अच्छा ट्रीटमेंट देने की बजाय, अगर आप एक अंधेरे कमरे में, वो भी 15 साल तक कंटिन्यू वो टॉर्चर सह रही थी, ठीक है, किसी को देख नहीं पा रही थी, तो उसके अंदर जो उसकी फीलिंग्स थी वो ऑटोमेटिकली चेंज हो गई थी। ठीक है, कैसे चेंज हो गई, उसको मैड वुमन क्यों कहा गया, क्योंकि इसको मैड इसलिए कहा गया था, पागल तो होनी थी, थोड़ी तो मेंटली डिस्टर्ब थी, फिर उसको 15 साल तक एक ही रूम में कैद करके रखा गया, तो उसकी नफरत और बढ़ गई उसके रोचेस्टर के प्रति। तो यहाँ ये नोवेल मेंस के प्रति, जो मेंस है उसके जो ऑपोजिट, जो विमेन की फीलिंग्स है, जो फीलिंग्स ऑफ हेटनेस है वो दिखाई दिया, ठीक है, गुस्सा दिखाया गया, इसका फ्रस्ट्रेशन दिखाया गया एक विमेन का, कि 19 सेंचुरीज में जो विमेन थी वो है उनका जो मेन डोमिनेट सोसाइटी या मेंस के प्रति जो उनका रवैया था उस टाइम में, वो उनकी जो फीलिंग्स थी रेज से भरी होती थी, फ्रस्ट्रेशन होती थी, ठीक है, रिबिलियस होती थी उस टाइम की विमेन, तो ये दिखाया गया है। तो वहां से इन्हें जो नेम है, ये टाइटल है, वो बर्था मेंशन है, इस करेक्टर से लिया गया है, तो आपको इतना तो ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सब चीज आपको बिल्कुल एक एक चीज ध्यान में रखनी है। अब आगे इसमें होता क्या है, ठीक है, अब ये देखो,
जो वर्क है द मैड वुमेन इन द एटिक, इसमें क्या है कि गिलबर्ट और गुबन दोनों ने 19 सेंचुरीज की जो फीमेल ऑथर थी, ठीक है, उनको स्टडी किया उन्होंने, और उन्होंने अपनी स्टडी में कौन कौन सी 19 सेंचुरीज की फीमेल ऑथर को शामिल किया गया है, मेनली उन्होंने उन्हें 5 ऑथर को शामिल किया गया, ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है। फर्स्ट उसने जेन ऑस्टिन को शामिल किया गया, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, मैरी शेली, ओके, दोनों ब्रॉन्टी सिस्टर, चार्लोटी ब्रॉन्ट एंड एमिली ब्रॉन्ट, ओके, तो 5 तो ये ऑथर थी। उन्होंने फिर 3 पोइट्स को शामिल किया है इसमें, ठीक है। 3 पोइट में एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, जो कि रॉबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ थी, एलिजाबेथ, बैरेट ब्राउनिंग, ब्राउनिंग, ओके, उसके बाद इसको शामिल किया गया था एमिली डिकिंसन को, एमिली डिकिंसन को शामिल किया इन्होंने, और एक और थी जिसको इन्होंने शामिल किया गया था इसमें, क्रिस्टीना रोजेटी, ओके, क्रिस्टीना रोजेटी, ओके। सो ये थे मेनली 8 हो गई, इन सबका नाम आपको ध्यान रखना है, जिसमें से 3 पॉइंट है, ठीक है। 3 पॉइंट में कौन कौन आता है, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, एमिली डिकिंसन और क्रिस्टीना रोजेटी, ठीक है, ये 3 पॉइंट है, ये नॉमिनलिस्ट थी, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट, मैरी शेली, चार्लोटी ब्रंट और एमिली ब्रंट, ठीक है। तो इनको इन्होंने अपने वर्क में शामिल किया गया था, जो सेमिनार का इन्होंने, जो इनका पेपर था, जो लेक्चर प्रेजेंट करना था उन्होंने सेमिनार में, तो इन्होंने 19 सेंचुरीज की ये जो ऑथर ऑफ पोएट थे, इनको अपने वर्क में शामिल किया और उनकी स्टडी की, ठीक है। तो इस वर्क में उन्होंने दिखाया कि हाउ दे फेसेस सफरिंग्स एंड हाउ दे फेसेस व्हाट चैलेंजेस दे फेसेस एट दैट टाइम, ओके, उस टाइम में इन ऑथर ने क्या क्या चैलेंज फेस किए, कैसे स्ट्रगल किया, ठीक है, कैसे फ्रेंड में, क्योंकि उस टाइम में जो फीमेल ऑथर थी, जो फीमेल्स थी, उनको अपने ही नाम से अपना वर्क पब्लिकेशन के राइट नहीं था, क्योंकि सूडोनिम का सहारा लेना पड़ता था उस टाइम में, ठीक है, क्योंकि जो राइटिंग वाला करियर था इस पे भी मेल डोमिनेंस था, ये भी सब उस टाइम में आपने देखा होगा 18 सेंचुरी से पहले या बाद में भी जितने भी पब्लिकेशन, पहले की जो पब्लिकेशन है मेनली वो सूडोनिम से है। बाद में जाके सेकंड वेव जो फेमिनिज्म आया था, तो वहाँ उनके सूडोनिम थे वो हटा दिए गए थे, एक्सपोज कर दिए गए थे, और बाद में लोगों को पता चला था कि ये वर्क है वो एक मेल, जो एक विमेन ऑथर के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो उस टाइम में उनको इतना स्ट्रगल करना पड़ा था फ्रंट में रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, फ्रंट में आने के लिए, लाइट में आने के लिए, कि लोग उनकी जो राइटिंग है उनके टेक्स्ट को पढ़े, क्योंकि उस टाइम में जो फीमेल के द्वारा लिखा गया टेक्स्ट था उनको लोग पढ़ते नहीं थे, इग्नोर करते थे। सेकंड बात ये थी, इन्होंने चैलेंजेस और सफरिंग्स इसलिए सहा क्योंकि उस टाइम में इनको इंस्पायर करने वाला कोई नहीं था, ठीक है, जिनसे वो इंस्पायरेशन ले सके कि इनको कैसी राइटिंग्स को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, कैसी लैंग्वेज लिखनी चाहिए, क्या इनके वर्क का है वो टेक्स्ट का कंटेंट क्या होना चाहिए या सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, कैसी थीम पे लिखना चाहिए, तो ये सब उनको गाइड करने वाला उस टाइम में कोई नहीं था, और जिस टाइम में इन्होंने लिखना शुरू किया गया, क्योंकि उस टाइम में हर जगह जो पैट्रियार्की सोसाइटी चल रही थी, जो पैट्रियार्की सिस्टम चल रहा था, वो सब कुछ जो उन्होंने सब कुछ दबा के रखा था, फीमेल्स की वॉइस को, फीमेल्स के राइट्स को, सब किसी को दबा के रखा था। तो इस वर्क में स्पेशली इन्होंने दोनों ने यही मेंशन किया है कि 19 सेंचुरीज के जो ऑथर और पोएट थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया, ठीक है, कैसे रिकॉग्नाइजेशन में आए वो, कैसे उन्होंने फेम को गेन किया, कैसे उनके राइटिंग में क्या क्या स्ट्रगल्स आए, क्या क्या सफरिंग्स फेस करनी पड़ी उन्होंने, ठीक है, और उस टाइम में उन्होंने फीमेल को कैसे पोर्ट्रेट किया था। तो इसमें इन्होंने जो फीमेल को पोर्ट्रेट किया है इस वर्क में, ठीक है, इन्होंने बताया है स्पेशली इस वर्क में इन्होंने फीमेल को, जो उस टाइम में जो मेल ऑथर थे वो फीमेल को पोर्ट्रेट करते थे क्या, या तो वो फीमेल को एंजल दिखाते थे, एंजल, या दिखाया जाता था मोनेस्टर,
ओके मोनेस्टेड. सो एंजल कौन होता है? एंजल वो होती है बिल्कुल एक पीसफुल लेडी जो कि सब सब तरह के रोल कि एक गुड वाइफ बनेगी, ठीक है, एक गुड हाउस वाइफ, एक गुड मदर, ठीक है, पीसफुली सब रोल अच्छे से परफॉर्म करती है फैमिली में रह के, ठीक है, चाहे जितना भी उनके ऊपर टॉर्चर हो, चाहे जितना भी उनको मेंटली या फिजिकली टॉर्चर किया जाए, वो एक शब्द नहीं बोलती. जो भी उनके ऊपर राइट्स या जो भी रूल रेगुलेशन थोपे जाते हैं वो इजीली एक्सेप्ट कर लेती है, ठीक है, या फिर उसको ये कहें कि उनकी जो जो पैशन होते हैं वो कंट्रोल्ड होते हैं, बिल्कुल कंट्रोल होते हैं, मतलब ज़्यादा उनकी जो फीलिंग्स होती हैं या लेस्ट होती है, सेक्सुअल डिजायर उनमें नहीं होती, ठीक है, उनका खुद पे कंट्रोल होता है ऐसी लेडीज़ का. तो उनको एंजल दिखाया जाता था, स्पेशली जो मेन ऑथर थे उस टाइम में अपने टेक्स्ट में 19th सेंचुरी या उस टाइम में जो लेडीज थी उनको सिर्फ दो ही तरीके से दिखाते थे, या तो बिल्कुल अपने वर्क में एक तो एंजल का रूप दिखाते थे कि लेडीज ऐसी होगी बिल्कुल पीस, बिल्कुल कुछ नए के बराबर होने वाली, ठीक है, या बिल्कुल मोनेस्टर होती थी. मोनेस्टर कौन? मोनेस्टर होती है रिबेलियस विद्रो करने वाली, ठीक है, या अनपैसिनेट पैसिनेट होती थी जिसको जो सेक्सुअल फीलिंग्स से भरी हुई होती थी, जिनके ऊपर खुद के फीलिंग्स या जिसके खुद की पैसन के ऊपर कंट्रोल नहीं होता था, ठीक है, जो रिबेल करती थी, जो एंगर से भरी हुई होती थी, जो फ्रस्ट्रेट होती थी, या फिर ऐसी विमेन्स को दिखाया जाता था मेल ऑथर के द्वारा, ठीक है. तो क्या ये सही थी? क्या विमेन एंजल हो सकती है या मोनेस्ट्री, या दोनों रूप एक विमेन में नहीं हो सकते, ठीक है. तो उस टाइम में ऐसे एक फीमेल ऑथर के द्वारा विमेन्स को या विमेन करेक्टर अपने जो नॉवल में वो विमेन को विमेन का जो रोल दिखाते थे वो इन दोनों को दिखाते थे, या तो बिल्कुल एंजल हो या बिल्कुल मोनेस्टर हो, ठीक है. तो यहाँ उन्होंने जेन आयर का जो वर्क लिया उसमें जो बर्था मेशन है उसको मोनेस्टर दिखाए गए हैं. जो बर्था मेशन थी, ठीक है, उसको यहाँ मोनेस्टर दिखाया गया है, ठीक है, और जो एंजल दिखाया गया है वो जैन को दिखाया गया है, ठीक है, जैन को दिखाया गया है क्योंकि जैन है जो जहाँ से पढ़ी लिखी थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जैन आए जब हम पढ़ते हैं तो थोड़े समय बाद ही उसके पेरेंट्स है वो डाइड हो जाते हैं, उसके बाद उसे आंट के वहाँ रहती है वो, ठीक है, उसके बाद उसके अंकल्स भी एक्सपायर हो जाते हैं तो आंट उसको एक रेड रूम में बंद कर देती है, ठीक है. तो उस टाइम पे चाहे तो वो मतलब उसका रेज या फ्रस्ट्रेशन कुछ भी दिखा सकते थे, लेकिन उस टाइम में उसकी फीलिंग्स पे कंट्रोल था, उसको पीस थी, वो बिल्कुल समझदार थी उस टाइम में, ठीक है, अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल था जेन का. तो जेन का एक पॉजिटिव करेक्टर यहाँ दिखाया गया है, उसको एक एज ए एंजल दिखाया गया है यहाँ, और जो मोनेस्टर है जो बर्था मेशन है उसको यहाँ एक एज ए मोनेस्टर दिखाया गया है कि वो बिल्कुल मैड या मैड दिखाया गया है, बिल्कुल मैड वूमन. अब मैड तो होगी जब 15 ईयर्स किसी एक कमरे में कोई भी बंद रहे, तो मैड नहीं होगा तो क्या होगा भाई, ठीक है. तो ये दिखाया जाता था उस टाइम में. तो इस वर्ग में स्पेशली कुछ नहीं है, उन्होंने 19th सेंचुरी की जो फीमेल ऑथर है, ठीक है, स्पेशली उनके वर्क को स्टडी किया गया है और उन्होंने क्या क्या सफरिंग फेस की है अपने टाइम में एक फेम पाने के लिए, एक रिकॉग्नाइजेशन पाने के लिए, ठीक है, या एक राइटर बनने के लिए उन्होंने क्या क्या स्ट्रगल किया है वो सब ये दिखाया है, ठीक है. तो इतना ही था उसका इस वर्क में द मैड विमेन इन द एटिक. अब आपको सिर्फ दो टाइटल बताती हूँ जिसका सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है, जो कि सैंड्रा इन दोनों का ही है, ठीक है, इसका सिर्फ आपको टाइटल ध्यान में रखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ टाइटल पढ़ना नहीं है. एक वर्क है उनका नो मैन्स लैंड, ओके, सो इसका सबटाइटल मैं बताती हूँ, नो मैन्स लैंड राइटर इन द 20th सेंचुरी द प्लेस ऑफ द वुमेन राइटर, ओके, द प्लेस ऑफ द वुमेन राइटर इन द 20th सेंचुरी, ओके, वॉल्यूम 1. ऐसे करके इसका सब टाइटल है. अब सेकंड इसका वॉल्यूम 2 आया था, ये भी सेम ही नेम से पब्लिश है, नो मैन्स लैंड द प्लेस ऑफ द वुमेन राइटर इन द 20th सेंचुरी, उसके आगे लिखा था वॉल्यूम 2, ठीक है. तो इसका अलग अलग वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 आया था, लेकिन इसका नेम सेम ही है, ठीक है. तो ये आपको लिखना है, ये दोनों की कोलैबोरेशन है साथ में. ये एक सिर्फ ऐसा वर्क है
जो द मैन वुमेन इन द एटिक जो आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। इससे अगर आप इतना भी कर लोगे ना तो एग्जाम में क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, मैं श्योरली कह रही हूँ। और जितना मुझसे पूछा मैंने एक एक चीज को आपको पढ़ाया, कुछ भी ऐसा नहीं रहा इस वर्ग में जो आपको अलग से पढ़ने की जरूरत है। अगर आप ध्यान से मेरी क्लासेस को अटेंड करते हो तो मैंने लिटरेरी थ्योरी है वो बिल्कुल डीप, जहाँ से वो उसके जिस टाइम में हम नेट की तैयारी करते थे, हमने भी नेट किया, तो उस टाइम में जब हम पढ़ाई करते थे उस टाइम में हमें जो इतना तो हमें डीप में पढ़ाया भी नहीं जाता था टीचर्स के द्वारा बिल्कुल भी। वो सिर्फ नाम बताते थे, थोड़ा थोड़ा सब टाइटल ये बता कि ये बताया गया था, तो उस चीज़ को हमें डीपली डिफरेंट सोर्स से इतना मटेरियल इकट्ठा करके पढ़ाना पड़ता है आपको, कहीं विकिपीडिया से, कहीं गूगल करके, कहीं बुक जो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड है या जो लिटरेरी थ्योरी से रिलेटेड बुक्स होती हैं उनसे पढ़ के जब जाके इतना मटेरियल इकट्ठा होता है। तो इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता आपको पढ़ने की कहीं ज़रूरत है अगर आप ध्यान से लेक्चर को अटेंड करते हो। अगर आप ये चाह रहे हो कि लेक्चर लॉन्ग हो गया, जैसे 15 मिनट का हो गया, मान लीजिए कोई कोई क्लास है, मुझे नहीं लगती मेरी क्लासेस आधे घंटे से ज़्यादा तो कोई भी नहीं है, आधे घंटे से कम की है सभी क्लासेस 20-25 मिनट। अगर इतनी क्लासेस में आप लॉन्ग मान रहे हो तो फिर नेट की तैयारी कैसे होगी, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कंटिन्यूटी क्लास में बनानी बहुत जरूरी है, और आधे घंटे की क्लास तो कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन क्लासेस में तो लंबी लंबी क्लासेस लगती हैं, वो भी तो लोग अटेंड करते हैं। तो किसी चीज़ को सीखना है तो ये नहीं है कि आप जो YouTube पे देखते होंगे 5 मिनट में इलेंस वाल्टर क्लियर, ऐसे नहीं होता भाई, 5 मिनट में कहाँ से होगा, 3 घंटे में पढ़ के। हम जब यहाँ 15-20 मिनट का लेक्चर देते हैं तो 5 मिनट में कहाँ से इलेंस वाल्टर को आप डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। तो ये कोई वो सब एक वो होती है कि 5 मिनट में अट्रैक्शन के लिए, बाकी आप खुद मेच्योर हो, मास्टर डिग्री की है, 5 मिनट में कभी कोई भी ऑथर पढ़ा नहीं जाता। एक कम टाइम पे आप ज़्यादा पढ़ जाओ ऐसा कहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। हाँ, हम 3 घंटे लगा के यहाँ 15 मिनट का लेक्चर दे रहे हैं, 3 घंटे लगा के अगर हमें एक लेक्चर तैयार करने में इतना टाइम लग जाता है तो उसको डिटेल में हमने पढ़ा तभी जाके इतना पढ़ाया जाता है, तो आप 5 मिनट में कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है। तो इतना ही था।